हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। फ्रेंड्स, आज की ये रेमेडी बालों के लिए है जो बालों की लंबाई को बहुत तेजी से बढ़ाएगी। जी हाँ फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जो मैं एक रेमेडी बताने वाली हूँ वो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि कुछ ही दिनों में आप अपने बालों की लंबाई को बहुत तेजी से बढ़ा पाएंगे। अगर बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं तो बालों को झड़ने से भी रोक पाएंगे, और तो और आपके अगर बाल बहुत ज़्यादा रफ हो रखे हैं, डैंड्रफ हो रखे हैं, तो उससे भी आपको निजात मिल जाएगी। तो इसे कैसे बनाना है, कैसे यूज़ करना है, इन सारी चीज़ों पर हम बात करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले आप कोई हेवी तल वाला बर्तन में पानी ले लीजिए, लगभग एक गिलास के करीब। एंड उस पर जब वो पानी खौलने लगे, उसके बाद हमें यहाँ पर डालना है चाय पत्ती। चाय पत्ती हमारे बालों को वापस काला बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो जिनके भी बाल समय से पहले सफ़ेद हो जाते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है चाय पत्ती। चाय पत्ती से बालों का झड़ना भी कम हो जाता है, एंड इसमें मौजूद कैफीन एंड जो विटामिन्स मौजूद होते हैं वो हमारे बालों की लंबाई को तेजी से बढ़ाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपको एक चम्मच के करीब चाय पत्ती डाल देना है, एंड इसे अच्छे से चलाते हुए पकाना है। जिनके भी बाल समय से पहले सफेद हो जाते हैं, दैट मीन्स प्री मेच्योर ग्रेइंग हेयर से परेशान है, तो आप चाय पत्ती का यूज करना स्टार्ट कर दीजिए। किसी भी रेमेडी में आप चाय पत्ती को एड करके उसका पानी जरूर यूज किया कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपके बालों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, एंड बालों को सिल्की बनाने में भी ये बहुत ज्यादा कारगर होता है। अब हमें यहाँ पर दूसरा इंग्रेडिएंट चाहिए होगा, लौंग। लौंग के इस्तेमाल से हम अपने स्कैल्प पर नए नए छोटे छोटे बालों को उगा सकते हैं, दैट मीन्स बालों को घना बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जिनके भी स्कैल्प दिखना शुरू हो गए हैं वो लौंग का यूज करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि लौंग के इस्तेमाल से हमारे स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होते हैं, क्योंकि इसका तासीर गर्म होता है, इसलिए हमारे स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है, जिस वजह से हमारे स्कैल्प में नए नए छोटे छोटे बाल उगना शुरू हो जाते हैं। अगला जो चीज हमें चाहिए वो है मुट्ठी भर सदाबहार फूल के पत्ते। जी हाँ फ्रेंड्स, सदाबहार फूल के पत्तों के बारे में आपने सुना ही होगा, ये हमारे स्किन से सारे के सारे दाग धब्बों को, जिद्दी से जिद्दी मेलाज्मा को हटाने में सक्षम होता है। जितना ये हमारे फेस के लिए, हमारे स्किन के लिए इफेक्टिव होता है, उतना ही ज्यादा इफेक्टिव होता है हमारे बालों की लंबाई को बढ़ाने के लिए, गंजे सिर पर नए बालों को उगाने के लिए। तो यहाँ पर आपको मुट्ठी भर इसे डाल देना है। अगर आप चाहें तो इसे पीस करके भी डाल सकते हैं। पीस करके डालेंगे तो इसका और भी ज्यादा गुडनेस बढ़ जाएगा, क्योंकि सारा का सारा जूस इस पानी में मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बट मैं यहाँ पर पत्ते ही यूज कर रही हूँ, मैं इसे पीस ही नहीं हूँ। तो अब इसे अच्छे से पकाने के बाद लगभग 10 से 15 मिनट पकाइए, एंड उसके बाद आपको बर्नर ऑफ कर देना है। फिर इसे आपको छान लेना है। छानने के बाद जो आपको पानी मिलेगा, यही पानी हमें यूज में लाना है। बट फ्रेंड्स, यहाँ पर हम और एक दो इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे ताकि हमारे बालों के लिए और भी ज्यादा ये इफेक्टिव बन सके। तो अगला इंग्रेडिएंट हम यहाँ पर डालेंगे विटामिन ई का एक कैप्सूल। विटामिन ई हमारे बालों की लंबाई को बढ़ाने में मदद करता है, साथ ही साथ अगर बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, स्कैल्प में रूखापन आ गया है, तो उसे भी ये ठीक करने का काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, बट विटामिन ई को आप जब ये पानी गर्म रहेगा, जब जो पानी हमने तैयार किया है वो पानी गर्म रहेगा, तभी आपको डाल देना है, एंड इसे अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि विटामिन ई बहुत ही थिक होता है, कैस्टर ऑयल के समान ही, इसलिए गर्म गर्म ही आप इसे यहाँ पर डाल दीजिएगा, एंड उसके बाद अच्छे से चला लीजिएगा, मिक्स कर लीजिएगा। इतना मिक्स कीजिएगा कि ये पानी एंड तेल एक साथ लगने लगे। उसके बाद आपको इसे अपने बालों पर, मतलब ये जब पानी ठंडा हो जाएगा उसके बाद अपने बालों पर इसे लगा लीजिए। फिर लगभग 45 मिनट रहने दीजिए या फिर 1 घंटा रहने दीजिए। फिर कोई भी शैम्पू की मदद से हेयर वॉश कर लीजिए। यकीन मानिए फ्रेंड्स, बालों का झड़ना फर्स्ट एप्लीकेशन के बाद ही बहुत ही कम हो जाएगा। बालों की लंबाई बहुत तेजी से बढ़ेगी, और तो और बाल बहुत ही सिल्की भी हो जाएंगे, स्मूथ भी हो जाएंगे। अगर चोटी पतली बन रही है तो चोटी मोटी बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, जाइए इस रेमेडी को जरूर बनाइए एंड यूज करना स्टार्ट कर दीजिए। एंड इस रेमेडी के किसी भी तरह के कोई भी नुकसान नहीं है, आप इसे बच्चों को भी यूज करा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई थिंक मैंने सारा चीज आपको क्लियरली बता दिया, बट फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का 100% आंसर करूंगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।